क्या बना रहे हैं, इसके लिए आलोचना बना रहे हैं। आज ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उसके अंदर एक आत्मविश्वास लगता है, इनको तो लगता है कि मैं भी कुछ काम कर रही हूँ, और ये अपने नारे को प्रधानमंत्री तक पहुँचाए। किस तरीके से इन राखियों को बनाया जा रहा है, कब तक ये राखी? ये राखी 2012 से बनाना शुरू हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इन माताओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी वो सोचते थे कि जो माताओं के हाथ द्वारा बनी हुई राखी या हाथ से पहनी हुई राखी इनके परिवार वाले, इनके समाज वाले नहीं पहनते थे, उनके द्वारा बनाई हुई राखी आज पूरे देश में और पूरे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। 551 राखी जाएगी उनके निवास स्थान पे और ये 19 तारीख को जाएंगी। करीब करीब 150 से 200 महिलाएं इस राखी को बना रही हैं और ये एक हफ्ते से लगी हुई है राखी बनाने में। आज ज़्यादातर आज काम ख़त्म हो जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि इन्होंने पैकिंग वैकिंग भी शुरू कर दी है, तो 19 तारीख के सुबह सुबह ये राखी उन तक पहुंच जाएगी। कुल 1000 के करीब राखी बनाई गई है जिसमें कि मोदी जी की तस्वीर है, रामचंद्र जी की तस्वीर है, कृष्ण भगवान की तस्वीर है। ये जो बोलती हैं हम वो उनको ला करके देते हैं जिनका बनाने का मन करता है। मेरा नाम लक्ष्मी दासी। आज राखियां बना रहे हैं, किसके लिए राखियां बना रहे हैं? प्रधानमंत्री के लिए। किस तरीके से प्रधानमंत्री को राखी बांधने जाएंगे? जाएंगे प्रधानमंत्री। कैसा महसूस होता है कि आज प्रधानमंत्री के लिए आप राखी बना रहे हैं और ये राखी उनकी कलाई पे बांध रहे हैं, किस तरीके से? मैं जाऊंगी प्रधानमंत्री को राखी बांधूंगी, खुशी साथ जाऊंगी, मेरे को आनंद होगा उनको राखी बांधने से। मेरा नाम छवि शर्मा है। हम लोग हाथ छल राखी बना रहा है। ये राखी बनाने ये परंपरा कौन दिया हमको? डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने दिया। हाथ छल राखी बनाया तो पिछले साल हम लोग राखी नहीं बनाया, क्यों? डॉक्टर बिंदु सर जी हमको छोड़ के बहुत दूर चला गया, अब तो उनको हमको नहीं देखेंगे यार। और इस बार हम लोग राखी बना रहा है, नरेंद्र मोदी भैया को हाथ में राखी बांधेंगे, इसलिए हम लोग राखी बना के भेज देंगे। बुझा नहीं, बहुत मन में आनंद आती है
एक बार तो मुझे मौका छूट गया, मैं नहीं बन पाया। फिर इस बार तो आया राखी बनाने के लिए, अभी बनने के लिए। बहुत अच्छी लगती है, बहुत मन में खुश आते। परिवार से जितना खुश नहीं होती है, ये लोग के साथ मिलने जुलने बहुत खुश लगती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।